Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear students of Wisdom House Schools, Assalamu alaikum. This lecture is for class prep, day number 1, Monday, 6th April. We will start our lecture with subject maths. First of all, we do work of maths. We will do classwork of maths, page number 2 on book. And your homework will be page number 3 on book. What is on page number 2 on book? Let's see. We read about numbers on page number 2 classwork. In this page, you will do write the numbers of animals in each box. You will count these animals and write their number in the box. Let's count with me. First of all, we see how many cows in this area. 1, 2. There are 2 cows. And we write 2 in the box. How many rabbits in this area? 1, 2, 3. There are 3 rabbits in this area. We write 3 here. How many zebras? How many zebras in this area? 1, 2, 3, 4. And we write 4 in the box. How many chicks? Hens. These are hens. How many hens? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And we write 7 in the box. Let's see. How many animals in this area? Are you seeing any animal in this area? Kya aapko koi janwar, koi prinda, koi bhi cheez yahan par nazar aa rahi hai? Your answer will be no. Yahan par koi bhi cheez nahi hai. So we write 0 here. 0 means nothing. There is no thing in this area. Let's see how many chicks in this area. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chicks and we write 8. See how many sheep in this area. How many sheep? There is only 1 sheep. We write 1 in the box. And your homework is page number 3 on book. ये भी आप बुक पे ही लिखोगे, ठीक है? जैसे हमने क्लासवर्क बुक के ऊपर किया, इसी तरह आप इस पेज को भी बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज ऑन पेज नंबर 3. इसको मैं आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दूंगी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी, वो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है? काउंट एंड राइट इन द बॉक्स. पहला काम आपने इसमें क्या करना है कि इस पे जो भी चीजें बनी हुई हैं उनको आपने काउंट करके बॉक्स में लिख देना है, ठीक है? दूसरा काम आपने इस पेज पे ये करना है कि कलर फ्यू ब्लू, जो कम चीजें हैं उनके अंदर आपने ब्लू कलर करना है. जैसे इस तरफ डक्स 2 हैं और इधर 4 डक्स हैं, तो जो कम डक्स हैं, फ्यू मींस कम या थोड़ा, ठीक है, जो कम हैं उनके अंदर आपने ब्लू कलर कर देना है और जो ज्यादा हैं उनको आपने पहले काउंट करके लिखना है और फिर उनके अंदर कलर आप करेंगे रेड. ओके, और पेज नंबर 3 आप करेंगे होमवर्क. लेट्स गो टू इंग्लिश. अब हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं कि अब हमने इंग्लिश का क्या पढ़ना है. आज इंग्लिश का हम आज करेंगे रीडिंग. इंग्लिश की आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 1 की. इसके साथ कर्सिव का पेज नंबर 2, कर्सिव राइटिंग बुक जो है उसके ऊपर आप पेज नंबर 2 उसके ऊपर ही लिखेंगे. इसके साथ आपके डिक्टेशन वर्ड्स होंगे एप्पल और बैग. 2 डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं वो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. एन बी स्टैंड्स फॉर नोटबुक. एंड आपका होमवर्क होगा कर्सिव बुक का पेज नंबर 3. चलें अब रीडिंग करते हैं इंग्लिश की, ठीक है? ये आपका पेज नंबर 1 है, ठीक है? इसके ऊपर आपकी रीडिंग है एप्पल, बेल, काओ एंड डोर. एप्पल, बेल, काउ एंड डोर.
These four words are your reading words. Okay? और dictation words आपको मैंने बताए हैं कि apple और bag जो हैं वो आपने dictation words अपनी notebook के ऊपर लिखने हैं. और इसका homework आपको बता दिया है, कर्सी की जो book है उसका आपने page number 3 लिखना है. ठीक है? अब हम उर्दू पढ़ेंगे. ठीक है? उर्दू का आज हमारा क्या जमात का काम है कि आपने हरूफ़ तहज्जी लिखनी है, उसकी पूरी और आधी अशकाल दोनों लिखनी है. अलिफ्ता से कहाँ लिखनी है? कॉपी पर लिखनी है आपने. ठीक है? अलिफ्ता से आपने कॉपी पर लिखनी है, जैसे कि आप नर्सरी में भी कर चुके हैं. और यही वाला होमवर्क काम जो है वो आपने घर के काम के लिए भी करना है. ठीक है? और इस्लामियात का आपने आज क्या याद करना है कि आपने नए कपड़े पहनने की दुआ याद करनी है. ठीक है? कौन सी दुआ याद करनी है? नए कपड़े पहनने की दुआ याद करनी है, जो कि सफ़ा नंबर 4 पर है. ठीक है बच्चों? अब आपने ये सारा काम करना है, अपनी मामा को चेक करवाना है. ठीक है? और घर से बाहर नहीं जाना, घर में रहना है. और अपनी मामा का, अपने माँ बाप का कहना मानना है. अल्लाह ताला आपको हामी व नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.